दोस्तों, मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीखेंगे डमी वेरिएबल और वन हॉट एनकोडिंग के बारे में। दो डिफरेंट अप्रोच आज देखेंगे, पांडर्स की गेट डमीज मेथड को और एसकेएलएन की वन हॉट एनकोडर क्लास का यूज़ करके हम आज का ट्यूटोरियल करेंगे। हमारा क्लासिक जो होम प्राइजेस वाला डेटा सेट है, उसमें आज मैंने एक कॉलम ऐड की है टाउन की। पहले तक हमने सिर्फ मॉन्ड्रो टाउनशिप में घर की प्राइस का प्रेडिक्शन करने का देखा था। अब हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा एक्सपांड करते हैं और दूसरे दो टाउन को इंक्लूड करते हैं, वेस्ट विंसर और रॉबिन्सविल। उसका यूज़ करके हम ये दो क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि भैया, अगर 3400 स्क्वायर फुट का होम वेस्ट विंसर में है तो उसकी प्राइस क्या, और ये दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आपके डेटा में टैक्स कॉलम है तो उसको आप हैंडल कैसे करोगे, क्योंकि जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसको सिर्फ नंबर्स के बारे में पता होता है, वो टैक्स को हैंडल करना वो नहीं जानता है। तो एक सीधा सा अप्रोच हम ये कर सकते हैं इस टैक्स को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, कि हर एक टाउन को एक नंबर दे दो, जैसे इसको 1, 2, 3, राइट, ये देखा ना, ऐसे नंबर दे दो। तो ये अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम क्या होता है बताए, जब आप नंबर असाइन करते हो ना, तो मशीन लर्निंग मॉडल जो है उसको नंबर के ऑर्डर के बेसिस पे इंटरप्रेट करना चालू कर देता है। जैसे कि वो सोचता है कि अच्छा, मॉन्ड्रो टाउनशिप इज़ लेस देन वेस्ट विंसर, लेस देन रॉबिन्सविल, क्योंकि ये इसके नंबर है 1, 2, 3, या तो फिर मॉन्ड्रो टाउनशिप प्लस वेस्ट विंसर इज़ इक्वल टू रॉबिन्सविल। नाउ दैट डजेंट मेक सेंस, ठीक है ना, ये कुछ बात नहीं जमी कि दो टाउन को ऐड करने से तीसरा टाउन कैसे आया। इसलिए हम ऐसे 1, 2, 3 नंबर को यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब थोड़ा थियरी देख लेते हैं कि ये जो टाउन है ना, उसको कैटेगोरिकल वेरिएबल्स बोलते हैं। बेसिकली ये है ना, कैटेगरीज है, और कैटेगोरिकल वेरिएबल में भी दो टाइप होती है। एक तो होती है नॉमिनल, जिसमें जो कैटेगरीज है ना, उनके बीच में कुछ ऑर्डरिंग या कुछ मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं होता है। दूसरी कैटेगरी होती है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में जो डिफरेंट कैटेगरी होती है उसके बीच में कुछ बड़े छोटे का ऑर्डर का डिफरेंस होता है, जैसे कि हाई इज़ ग्रेटर देन मीडियम इज़ लेस ग्रेटर देन लो, या तो फिर ग्रेजुएट इज़ लेस देन मास्टर इज़ लेस देन PhD। लेकिन इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि ग्रीन इज़ लेस देन रेड इज़ लेस देन ब्लू, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप बड़े ही स्मार्ट लोग हो, तो आपको सिर्फ ये चार्ट देख के ही समझ में आ गया होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अब जो हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल है उसको एनकोड करने की एक मस्त टेक्निक है, मस्त रैपचिक टेक्निक बोले तो वन हॉट एनकोडिंग। नाम ही इतना कूल है ना, तो हमें कोड करने का तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो पहले बता देता हूँ कि वन हॉट एनकोडिंग होता क्या है। उसमें हम ये तीन नई कॉलम ऐड करते हैं हर एक कैटेगरी के लिए, और जो कैटेगरी की रो है ना उसमें वन और बाकी में ज़ीरो डाल देते हैं। तो जैसे ये वेस्ट विंसर की रो है, तो वेस्ट विंसर वाली कॉलम में वन है, दूसरे दोन में ज़ीरो है, ठीक है। तो ये होते हैं डमी वेरिएबल्स, और हम और या तो फिर वन हैड हॉट एनकोडिंग, और इसके लिए हम अब कोड करना चालू करेंगे, क्योंकि बातें बहुत हो चुकी है। आपको लगेगा कि ये बंदा बातें बहुत करता है, कोडिंग कम करता है, तो मैं अब सीधे कोड कर। ये CSV फाइल में हमने जो डेटा देखा था प्रेजेंटेशन में, वही डेटा अवेलेबल है। इसको मैंने जुपिटर नोटबुक में पांडास की डेटा फ्रेम में ऑलरेडी लोड कर दिया है, और मेरी डेटा फ्रेम दिख रही है कुछ ऐसी। सबसे पहले हम पांडास की गेट डमीज मेथड का यूज़ करेंगे, तो उसको बोलते हैं pd.get_dummies, और ऐसे जुपिटर नोटबुक में जब टैब हिट करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देता है मेथड को। और df.town, तो ये df में ये जो टाउन कॉलम है ना, उसको एज आर्ग्यूमेंट पास करोगे, तो यहाँ पे आपको डमीज की एक डेटा फ्रेम ये प्रिपेयर करके देगा, और ये दिखेगी कुछ ऐसी। तो देखा ना दोस्तों, पहले जो पांच रो है वो मॉन्ड्रो टाउनशिप के है, तो इसने क्या किया कि पांच रो में वन इसमें कर दिया, बाकी में ज़ीरो। उसके बाद में है वेस्ट विंसर रॉबिन्सविल, तो यहाँ पे वेस्ट विंसर में वन है, उसके बाद में रॉबिन्सविल में वन है। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमें ये जो डमीज डेटा फ्रेम और अपनी ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसको दोनों को ज्वाइन करना है। तो उसको ज्वाइन कैसे करेंगे, तो पैंडास में एक
pds.concat करके एक मेथड आती है। कॉन्केट मतलब आपको दो डेटा फ्रेम को जोड़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट डेटा फ्रेम का नाम है df, दूसरी है डमीज। तो ये मेथड इसको जोड़ देगी और इसकी जो एक्सिस है ना वो कॉलम्स, मतलब आप दो तरीके से जोड़ सकते हैं, आप आइधर रो में जोड़ सकते हो या कॉलम से जोड़ सकते हो, हमें सिर्फ कॉलम को अपेंड करना है। तो इसीलिए इसको एक्सिस की वैल्यू को मैंने कॉलम्स सप्लाई किया है। नई डेटा फ्रेम आएगी उसको मैं बोलूँगा df_dummies और वो कुछ ऐसी दिखेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये तीन नई कॉलम्स यहाँ पे मिल गई। ओके, अब ये जो टेक्स कॉलम है ना टाउन, उसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम ड्रॉप कर देंगे। दूसरी चीज़ हम ड्रॉप करेंगे वो है ये तीनों कॉलम में से किसी एक कॉलम को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। इसका रीज़न है डमी वेरिएबल ट्रैप। जब भी एक डमी कॉलम को दूसरी डमी कॉलम से आप डिराइव कर सकते हो तो वो कॉलम जो होती है ना उसको बोलते हैं कि ये कॉलम्स मल्टी कोलिनियर है, और जब भी मल्टी कोलिनियरिटी होती है तब आपको एक कॉलम को ड्रॉप करना पड़ता है, नहीं तो वो मॉडल लर्निंग में प्रॉब्लम होता है। आप ऐसे डमी वेरिएबल ट्रैप का गूगल करके कुछ वीडियो देख लीजिए तो आपको शायद डिटेल में पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे ट्यूटोरियल में मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चीज़ समरी में आप याद रखिए कि ये एक कॉलम को दूसरी दो कॉलम में से जब भी डिराइव किया जा सकता है तब आपको वन ऑफ द कॉलम्स को ड्रॉप करना है। तो हमें 1, 2, 3 मोनोटाउनशिप, रॉबिन्सविल, विस्विंसर, इन तीनों में से किसी एक कॉलम को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हमें टाउन को भी ड्रॉप करना है और इसमें हम ऐसा करते हैं विस्विंसर को ड्रॉप कर देते हैं, तो विल ड्रॉप 2 कॉलम्स, ठीक है। अब ड्रॉप करने के लिए df_dummies डॉट, आपको पता होगा कि डेटा फ्रेम में ड्रॉप करके मेथड होती है जिसमें आप एक अरे में जितनी भी कॉलम ड्रॉप करनी है ना वो डाल सकते हो। तो हमें टाउन और वेस्ट विंसर को ड्रॉप करना है, ठीक है। और एक्सिस की वैल्यू कॉलम्स आएगी, मतलब आप बोल रहे हो कि ये जो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ ना वो एक्चुअली कॉलम्स को ड्रॉप कर रहा हूँ। और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे ताकि वो df डमीज को उसी इन प्लेस रिप्लेस करें, नहीं तो आपको df_dummies इज इक्वल टू df_dummies.drop करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट करोगे, बाय द वे कंट्रोल एंटर करोगे ना तो ये हर एक सेल में कंट्रोल एंटर करने से वो एग्जीक्यूट करता है, ये शॉर्टकट याद रखिएगा आप। तो अब हमारी डेटा फ्रेम काफ़ी अच्छी दिख रही है, उसमें से टाउन जो कॉलम चली गई और वेस्ट विंसर कॉलम भी चली गई है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। हम एक्स करके एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं जिसमें हम प्राइस को भी ड्रॉप करते हैं, बिकॉज प्राइस जो है ना वो टारगेट वेरिएबल है, तो उसको ड्रॉप कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो एक्स तुम्हारा हो गया ये, जिसमें तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एरिया और ये दोनों डमी कॉलम्स, और जो वाई है वो है df_dummies.price। तो ये आ गया वाई यहां पे। नाउ हम अपना जो sklearn का जो लीनियर मॉडल है ना जो हमने पहले ट्यूटोरियल में देखा था उसी में से ही लीनियर रिग्रेशन को हम इंपोर्ट कर देते हैं। देखो इस कई बार है ना वो टैब में हिट करता हूँ ना तो वो डिले होता है, इसलिए ऐसा होता है। अब मैं मॉडल क्रिएट करूँगा जो कि लीनियर रिग्रेशन जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट है, और मॉडल पे हम फिट मेथड क्या करती है, ट्रेन करती है एक्स और वाई। तो ये रन करने से मेरा मॉडल हो गया ट्रेन, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि हमें प्रेडिक्शन करना है कुछ, तो क्या प्रेडिक्ट करना है, तो हमने ये देखा हुआ था कि ऐसा घर जिसकी 3400 स्क्वायर फुट एरिया है और वो वेस्ट विंसर में है, तो हम करेंगे मॉडल डॉट प्रेडिक्ट
3400 स्क्वायर फुट एरिया, और वेस्ट विंसर में है वैसा कैसे बता सकते हैं? तो देखो, हमारा जो एक्स था ना यहाँ पे, उसमें मोनरो और रॉबिन्सविल दो कॉलम है, दोनों में जब जीरो सप्लाई करेंगे ना तो हो जाएगा वेस्ट विंसर। तो 0 0, ओके, दिस इज एक्सपेक्टिंग टू डायमेंशनल एरे, इसलिए मैंने दो स्क्वायर ब्रैकेट रखे हैं। तो ये प्राइस हो गई, बड़ा महंगा घर है, लेकिन वेस्ट विंसर की स्कूल डिस्ट्रिक्ट अच्छी है, तो आपको इतने पे करने पड़ेंगे, 681,000 डॉलर इतने बड़े घर के लिए। दूसरा हमें प्रेडिक्ट करना है, क्या प्रेडिक्ट करना है, लेट्स सी, 2800 स्क्वायर फुट का होम रॉबिन्सविल में, तो 2800 तो लिख देते हैं पहले, रॉबिन्सविल है ना, तो रॉबिन्सविल की कॉलम कौन सी है ये देख लेते हैं। तो रॉबिन्सविल की कॉलम है लास्ट वाली, तो ये मोनरो की कॉलम इसमें जीरो आएगा, रॉबिन्सविल में वन आएगा, देखा, तो रॉबिन्सविल में ये प्राइस। अब 2800 स्क्वायर फुट का होम अगर मोनरो में है तो यहाँ पे वन करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो करेंगे, तो मोनरो की प्राइस इतनी हो गई, तो मोनरो की प्राइस थोड़ी सी कम है, एंड दिस इज़ ट्रू। मैं यहाँ पे मोनरो में रहता हूँ, तो मेरे को पता है कि हमारे टाउन में रॉबिन्सविल से थोड़ी कम प्राइस है। तो ये मॉडल ने प्रेडिक्ट करना बिल्कुल चालू कर दिया है। ओके दोस्तों, अब हम एस के लर्न लाइब्रेरी का यूज़ करके हम वन हॉट एनकोडिंग करेंगे। अभी तक हमने पैंडास की गेट डमीज मेथड का यूज़ किया, अब हम सेम ही चीज़ कर रहे हैं लेकिन एस के लर्न की वन हॉट एनकोडिंग की मेथड को यूज़ करके। तो फर्स्ट स्टेप है फ्रॉम एस के लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट लेबल एनकोडर। अब मैं आपको बताता हूँ लेबल एनकोडर होता क्या है, ये बड़ी ही सिंपल चीज़ है। ये क्या करता है कि आपके जो टेक्स्ट कॉलम है उसको एक नंबर्स में वो कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो मैं उसको एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। तो जैसे अभी हमारे पास ये डेटा फ्रेम है, ठीक है, जिसमें टाउन कॉलम है। अब टाउन कॉलम में लेबल एनकोडर का यूज़ करके हम पहले इस टाउन को नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे मोनरो को 0, इसको 1, इसको 2, ऐसे नंबर्स असाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं एक नई डेटा फ्रेम बना देता हूँ जिसको बोलता हूँ DFLE, मतलब लेबल एनकोडेड, और उस नई डेटा फ्रेम में जो टाउन कॉलम है ना उसको मैं लेबल एनकोडर से एनकोड करता हूँ। तो लेबल एनकोडर में एक मेथड होती है फिट एंड ट्रांसफॉर्म। फिट एंड ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि ये जो तुम्हारी टाउन कॉलम है ना वो टेक्स्ट कॉलम को लेगा और इन सबको नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और अब आप जब DFLE को प्रिंट करोगे यहाँ पे, तो आपने देखा कि जो टाउन में टैक्स नाम थे वो नंबर हो गए 0 2 1, उसने कुछ तो नंबर असाइन अपने आप से कर दिए। तो लेबल एनकोडर का यूज़ होता है ये। नेक्स्ट, एज ए नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूँ कि जो एक्स है वो होगा मेरा टाउन और एरिया, क्योंकि मैं प्राइस जो है ना वो हमारी वाई है, वो टारगेट वेरिएबल है, तो इसीलिए इसको मैं अलग कर रहा हूँ। और इस बार मैं टू डायमेंशनल एरे का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि SKLearn का जो वन हॉट एनकोडर है वो टू डायमेंशनल एरे एक्सपेक्ट करता है। इसीलिए जब देखो ये करोगे ना आप, क्या होगा कि मैं सिर्फ ये करूँगा ना तो एक नई डेटा फ्रेम मिल जाएगी जिसमें प्राइस कॉलम नहीं होगी, लेकिन आपको इसी डेटा फ्रेम को अगर टू डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना है तो आपको करना है वैल्यूज़। तो जब आप ऐसा करेंगे तो वो सेम ही चीज़ है, देखो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ, देखो 0 2600, और अगर मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ कर दिया तो 0 2600, सेम ही चीज़ है, लेकिन वो दो डायमेंशनल की एरे में अभी आ गई। ओके, अब जो y है वो होगा DFLE डॉट प्राइस डॉट वैल्यूज। तो वाई आ गई एक वन डायमेंशनल एरे में, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे अपने वन हॉट एनकोडर को। ये नाम है ना वन हॉट एनकोडर, एकदम सही है, एकदम एक्जोटिक नेम है, राइट, इम्पोर्ट वन हॉट, एकदम हॉट नाम है। ओके, OHE वन हॉट एनकोडर जो है वो वन हॉट एनकोडर का जो क्लास है
उसको इनिशियलाइज करके मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसको बोलता हूँ ओ एच ई, और ओ एच ई को अगेन फिट ट्रांसफॉर्म, फिट ट्रांसफॉर्म मेथड क्या करती है, उसको डेटा को फिट करेगी उसके बाद में उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो एक्स है उसको ट्रांसफॉर्म करना है। लेकिन एक्स को जब ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, एक्स में देखो दो कॉलम है वन और टू, तो कौन सी कैटेगरिकल कॉलम है वो हमें बताना पड़ेगा हॉट एनकोडर को। तो ये जीरोथ कॉलम है ना वो हमारी कैटेगरिकल टाउन कॉलम है, इसीलिए इसमें हम कैटेगोरिकल फीचर्स करके एक पैरामीटर आता है जिसमें बोलेंगे भैया जीरोथ कॉलम है ना, जीरोथ मतलब ये वाली, वो है हमारी कैटेगरिकल कॉलम। तो हमें ऐसे इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद में वन हॉट एनकोडर को बोलते हैं फिट एंड ट्रांसफॉर्म कि भैया एक्स में जाके जीरोथ कॉलम है ना उसके लिए डमी कॉलम्स तुम क्रिएट कर दो। ओके तो टू और एक कॉल करना पड़ेगा तुम्हें, बेस्ड ऑन रेंज वैल्यू फीचर। ओके ये कुछ वार्निंग है मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी के लिए, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल चार कॉलम आ गई राइट। तो ये फर्स्ट तीन जो है ना, ये एक दो और तीन, ये हो गई तुम्हारी डमी डमी वेरिएबल्स। ये सेम ही है जो हमने पांडास में कैट डमीज का यूज़ करके किया था, सेम ही है। थोड़ा टू डायमेंशनल एरे है ना, तो विजुअलाइजेशन में आपको थोड़ी तकलीफ होती होगी, बट यू रियलाइज लाइक सी इन सब के लिए वैल्यू यहाँ पे वन है, बाद में इनके लिए यहाँ पे वन है, तो ये इट्स एक्चुअली द सेम थिंग। अब आपको क्या करना है, डमी वेरिएबल ट्रैप को अवॉइड करने के लिए आपको एक कॉलम ड्रॉप करनी है, तो मैं फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करूँगा। अब ये टू डायमेंशनल एरे में से फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कैसे करते हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि जो स्लाइस इंडेक्स होता है उसका यूज़ करते हैं हम, बोलते हैं कि इसका मतलब है कि टेक ऑल द रोज। ओके लेकिन कॉलम्स है उसमें से वन कॉलम को लेके ऑनवर्ड सारी कॉलम, अगर आपको ऐसा बोलना है कि वन से लेके फाइव कॉलम तो ऐसा बोल सकते हो, लेकिन वन से लेके सारी रिमेनिंग सब लेनी है ना, तो ऐसे। ओके और जब आप एक्स करोगे तो इससे होगा क्या कि ये जो कॉलम है ना ये फर्स्ट वाली ये निकल जाएगी, वाला आप देख सकते हो वन ये चली गई और अभी दो ही कॉलम रही, तो हमारा एक्स अभी लुकिंग प्रिटी गुड, हमारा वाई तो रेडी है। तो अब एक्स और वाई रेडी है तो भैया देर किस बात की, मॉडल को फटाफट से ट्रेन कर देते यार, बच्चे को ट्रेन किया जाता है, तो मॉडल अभी जो अपना बच्चा है वो ट्रेन हो चुका है, बच्चा इतना ट्रेन हो चुका है कि वो कुछ भी अब प्रेडिक्ट कर सकता है। तो अब हमें प्रेडिक्ट भैया करना क्या है, 3400 स्क्वायर फुट होम इन वेस्ट विंसर, तो वेस्ट विंसर की जो कॉलम है ना ये वाली है दिस वन, तो इसीलिए हम फर्स्ट जीरो रखेंगे, दूसरा वन और 3400। तो देखो अपना घर की प्राइस आ गई ना 681,000 जो यहाँ पे हमने कहीं पे तो की थी, या देखो यहाँ पे, और अपना सेकंड प्रेडिक्शन है 2800 स्क्वायर फीट होम, कहाँ पे, रॉबिन्सविल में। तो रॉबिन्सविल की कॉलम है फर्स्ट, ये है रॉबिन्सविल की कॉलम राइट, ये वेस्ट विंसर और मॉनरो वाली तो हमने ड्रॉप कर दी, तो इसलिए 10, तो 590,000। ओके तो ये हो गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है एक्सरसाइज, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ जिसका बोलते हैं स्कोर। स्कोर मेथड है ना, आप तुम्हारा मॉडल का स्कोर क्या है, प्रेडिक्शन क्या है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये करेगा क्या कि एक्स को लेगा, उसके लिए वाई प्रेडिक्टेड कैलकुलेट करेगा, वाई प्रेडिक्टेड को वाई एक्चुअल जो ये वेरिएबल है ना उसके साथ कंपेयर करेगा, और उसके बेसिस पे ये स्कोर कैलकुलेट करेगा। तो हमारा स्कोर आ रहा है 95%, मतलब अपना मॉडल 95% एक्यूरेट है।
चलो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है एक्सरसाइज। अब देखो एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर मैं आपको स्विमिंग के लेसन का वीडियो दिखाऊंगा तो आपको स्विमिंग नहीं आने वाली है। इसके लिए आपको जाके स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपका स्विमिंग पूल है समझ लो। यहाँ पे कार प्राइसिस की CSV फाइल है जिसमें हमने BMW, ऑडी और मस्त मस्त जो गाड़ियाँ हैं ना उसकी माइलेज, सेलिंग प्राइस और एज यहाँ पे बताई हुई है। अब आपको इस CSV फाइल का यूज़ करके, पहले तो ये एक्सरसाइज का डिस्क्रिप्शन है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसमें करना क्या है कि CSV फाइल का यूज़ करके सब डेटा को स्कैटर प्लॉट में आप प्लॉट कीजिए और पहले डिसाइड करिए कि लीनियर रिग्रेशन को सही में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। और अगर कर सकते हैं तो आपको मर्सिडीज़ जो बेंज है ना जो 4 साल पुरानी है और जिसकी माइलेज 45,000 है उसकी प्राइस प्रेडिक्ट करनी है। सिमिलरली आपको ये दो आंसर भी निकालने हैं। ये एक्सरसाइज आपको नीचे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरे ये जुपिटर नोटबुक की आपको लिंक मिलेगी और उस जुपिटर नोटबुक में टुवर्ड्स द एंड, देखो ये मेरी नोटबुक है उसके टुवर्ड्स द एंड में एक्सरसाइज का डिस्क्रिप्शन है। और ये जो CSV फाइल है ना कार प्राइसेस वाली, वो जुपिटर नोटबुक में सेम लेवल पे एक एक्सरसाइज फोल्डर है, एक्सरसाइज फोल्डर के अंदर होगी। तो मैं आपको लिंक भी नीचे प्रोवाइड करता हूँ, तो आप CSV फाइल का यूज़ करिए और ज़रूर से एक्सरसाइज कीजिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बारे में बात करेंगे, ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा को स्प्लिट कैसे किया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।